गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप और आपकी फैमिली अच्छे से होंगे। मैं आपकी नर्सरी टीचर मिस प्रीति हूँ। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि लॉकडाउन होने से हम सभी अपने घरों में हैं, जिसकी वजह से आप सभी की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। मैं उम्मीद करती हूँ सभी पेरेंट्स से कि इसमें आप सभी अपना सहयोग दें। तो सबसे पहले पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पेंसिल पकड़वाने की कोशिश करें, जिससे हमें बच्चों को सिखाने में आसानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डॉट से लाइन खींचना बताऊंगी। इसके लिए आप सभी फोर लाइन वाली कॉपी, एक रफ कॉपी, पेंसिल, वन पेंसिल एंड वन इरेजर लेना है। तो बच्चों, मैं आप लोग को जो बताने वाली हूँ वो है स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि स्लिपिंग लाइन का मतलब होता है डॉट से सीधा, कैसे सीधा लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे खींचते हैं, स्लिपिंग लाइन जैसे मैंने बनाया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने बहुत सारे मैंने डॉट्स दिए हुए हैं। ये मैं कैसे डॉट से डॉट मिला रही हूँ, फर्स्ट डॉट से सेकेंड डॉट तक इसे कैसे लेके जाना है। ये रहा फर्स्ट डॉट और ये रहा सेकेंड डॉट। फर्स्ट डॉट से सीधा लेकर के इसे सेकेंड डॉट के पास लेके जाना है। ये हमारा स्लिपिंग लाइन हुआ। ये देखिए, एकदम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे इसे ऐसे डॉट से डॉट मिलाना है। ये हमारा हो गया स्लिपिंग लाइन। बस इसी तरह से धीरे धीरे इसको बनाते जाना है। ये रहा स्लिपिंग लाइन। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। इसे आप लिखना आप सीखोगे, पढ़ना आप जानोगे आप। ये रहा, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी स्लैटिंग लाइन, वेवी लाइंस, और फिर मैं आप लोगों को लेटर्स लिखना सिखवाऊंगी। इसलिए इसे आपको वन पेज आपको खुद से इसे बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।